नमस्कार आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखेंगे कि जे प्रभाव क्या होता है आपने देखा होगा कि एक देश की मुख्य समस्या जो मेन प्रॉब्लम होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होती है और अधिकतर जो आपके देश होते हैं उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव होता है तो इस बैलेंस ऑफ हाँ पेमेंट जो भुगतान आपका भुगतान संतुलन का अवशेष को कम करने के लिए यानी घाटे को कम करने के लिए एक आपकी कंडीशन ये बताती है कि देश को अवमूल्यन की नीति को अपनाना चाहिए तो देश में जब अवमूल्यन किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे निर्यात सस्ते हो जाते हैं तथा हमारे आयात महंगे हो जाते हैं तो डिवेल्युएसन के परिणाम स्वरूप जैसे ही हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं तो एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ते हैं और जब एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ेंगे और साथ ही साथ इंपोर्ट तेज़ी से घटते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होता अतिरेक की तरफ आने लगता है लेकिन इसके लिए जो आपकी निर्यात की मांग की लोच है वो इकाई से अधिक होनी चाहिए तथा आयात की मांग की लोच भी इकाई से अधिक होनी चाहिए यही मार्शल लर्नर शर्त है तभी आपके लिए डिवेल्युएशन करना अवमूल्यन करना आपके बैलेंस ऑफ आप पेमेंट को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा में कदम माना जाता है और इसी से हमारा इंटर रिलेटेड है मार्सर लर्नर शर्त से जे वक्र प्रभाव अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने का डिवेल्युएशन मेथड है ये केवल डेवलप्ड दे कंट्री में काम करता कहां पर काम करता है डेवलप्ड दे कंट्री में काम करता है क्योंकि वहां पर हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री रेडी रहती है और तुरंत निर्यात को बढ़ा देता है ठीक है डिवैल्युएशन करने के परिणाम स्वरूप हमारे जब निर्यात सस्ते हो जाते हैं निर्यात सस्ते होते ही हम लोग क्या करते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बढ़ जाती है तथा आयात की मांग कम हो जाती है क्योंकि आयात हमारे महंगे हो जाते अब डिवैल्युएशन को अच्छे से पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर आइए और चैनल पर आपको डिवेल्युएशन टॉपिक में मिल जाएगा कि किस प्रकार से डिवेल्युएशन निर्यात को सस्ते कर देता है तथा आयात को महंगे कर देता है तो इसको हम बहुत अच्छे से एलोब्रेट किए हैं अपने चैनल के उस वीडियो पे तो वहाँ से हमने केवल मेन कॉन्सेप्ट लिया कि डिवेल्युएशन के परिणाम स्वरूप निर्यात सस्ते हो जाते हैं और आयात महंगे हो जाते हैं जिससे एक्स माइनस एम में एक्स का मान बढ़ता है तथा एम का मान घटता है जिससे बैलेंस ऑफ आप पेमेंट आपके फेवर में आ जाता है तो ये विकसित देशों तक अभी तक था कि ये जो डिवेल्युएशन द्वारा आपका बैलेंस ऑफ आप पेमेंट सुधारने का मेथड है ये विकसित कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर था लेकिन इसको अगर अल्प विकसित देश में दीर्घ काल में लागू कर दिया जाए तो यहाँ पर अल्प देश में भी ये कार्य करेगा तो आज हम यही देखेंगे कि अल्प विकसित देश में जब डिवेल्यूएशन के द्वारा अवमूल्यन के द्वारा बैलेंस आप पेमेंट को यानी भुगतान संतुलन घाटा को समाप्त करने की रणनीति अपनाई जाती है तो पहले तो यह घाटा बढ़ता है लेकिन एक स्तर के बाद यह घाटा अतिरेक में परिवर्तित हो जाता है और इसी प्रभाव को हम लोग जे वक्र प्रभाव के नाम से जानते हैं पुनः मैं आपको साथ रिपीट करूंगा जे वक्र प्रभाव का तात्पर्य है कि जब अवमूल्यन की नीति दीर्घ काल में लगाई जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप प्रारंभ में आपका घाटा बढ़ता है लेकिन एक स्तर के बाद यह घाटा आपका क्या हो जाएगा कम होता चला जाएगा और आपकी इकोनॉमी अतिरेक में आ जाएगी इसी प्रभाव को हम लोग जे प्रभाव के नाम से जानते हैं आइए इसके विषय में और अच्छी अच्छे से देखते हैं क्या है जे प्रभाव तो जे प्रभाव मार्शल लर्नर शर्त अधिकतर विकसित देशों में संतुष्ट होती है अभी हमने बताया कि अगर एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन जीरो ए ग्रेटर देन वन एंड इंपोर्ट की इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन अर्थात एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की इलास्टिसिटी अगर इकाई से अधिक है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने का एक बेस्ट तरीका है आप अवमूल्यन कर दीजिए यदि अल्पकाल है तो विकसित देशों में आयात की लोच इकाई से अधिक तथा निर्यात की लोच इकाई से अधिक है तो अवमूल्यन से भुगतान संतुलन को बेहतर हम बना सकते हैं लेकिन अब हम इसको अल्पकाल में जहां ये विकसित देशों को काम करता है शॉर्ट रन में ये विकसित देशों को फायदा पहुंचाता है वहीं दीर्घकाल में ये विकसित देश या विकासशील देशों के लिए टूल्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए लेकिन मार्शल लर्नर की इस शर्त का दीर्घकाल में भी प्रभाव देखा गया है अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ में तो भुगतान संतुलन ऋणात्मक होता है प्रारंभिक स्टेज में लगेगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और गड़बड़ा जग गया है ठीक है लेकिन जैसे जैसे हमारे निर्यात उद्योग बढ़ने लगते हैं तथा आयात प्रतिस्थापन उद्योग भी कार्य करने लगते हैं उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की भुगतान की स्थिति पहले से अच्छी हो जाती है और यह अवमूल्यन एक स्थिति ऐसी भी लाती है जब घाटे का भुगतान संतुलन अतिरेक के भुगतान संतुलन में परिवर्तित हो जाता है तो यानी कहने का मतलब यह होता है कि अवमूल्यन के द्वारा अगर भुगतान संतुलन को हम लोग अतिरेक में परिवर्तित करना चाहते हैं भुगतान संतुलन को बैलेंस करने की रणनीति अपनाते हैं तो दीर्घ काल में यह कार्य करता है और इसे हम लोग जे प्रभाव के नाम से जानेंगे आइए देखते हैं यहां पर रेखा चित्र में हमने आधार अक्ष एक्स लिया है और यहां पर हमने टाइम को ले लिया नोट करिएगा टाइम है यहां पर समय के साथ ठीक है हमने ऊपर हमने आपका वाई एक्सिस लिया है ये आपका क्या दिखाता है बीओपी में सरप्लस दिखा रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस को दिखाता है ठीक है और हमने नीचे आपको वाई एक्स एक्सिस नीचे लिया है ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिट को दिखाता है यह पॉइंट आप नोट रखिएगा यानी ये आपका ओरिजिन है यहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में है भुगतान संतुलन में है अगर हम इसके ऊपर चलेंगे तो अतिरेक में रहेंगे अगर हम इस पॉइंट से नीचे की ओर चलेंगे तो हम लोग घाटे में रहेंगे ठीक है अल्प विकसित देश क्या करता है कि कहीं यहां पर इस समय खड़ा होता है सपोज दैट ये जे वक्र है और मैंने इसको अभी टेंटेटिव खींच दिया है मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर हूँ सपोज दैट टी पॉइंट पर हूँ इस समय आप देख सकते हो कि एक यहां पर इंटरवल आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक गैप दिखाई पड़ रहा होगा ये आपके बैलेंस ऑफ आप पेमेंट की स्थिति को दिखाता है जे वक्र बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को दर्शाता है जे कर्व ठीक है तो आप देख सकते हो कि वन समय पर एक अल्प विकसित देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा है ठीक है डेपसिट वाले साइड पे हम लोग हैं आप देख सकते हो कि कितना है T1 A1 के बराबर डेपसिट है अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसको अगर मैं रेड लाइट से इसको इसको इंडिकेट कर देता हूँ तो इतने घाटे के बराबर है अब क्या किया कि इस अल्पविकसित देश ने क्या किया अवमूल्यन के द्वारा अवमूल्यन के द्वारा ठीक है डिवेल्युएशन के द्वारा अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने का बीड़ा उठाता है ठीक है तो अवमूल्यन से हम बताते हैं कि के कि अवमूल्यन 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 के के परिणाम परिणाम स्वरूप स्वरूप मान लीजिए देश ने कर दिया है है ठीक और करने अब हमारे देश के निर्यात सस्ते हो गए हैं और हमारे आयात महंगे हो गए हैं ठीक है निर्यात सस्ते हो गए हैं आयात महंगे हो गए हैं तो अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप हम तुरंत निर्यात तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं होती है गरीब देश है तो जब डिवेल की पॉलिसी अपनाता है तो तुरंत एक्सपोर्ट हम नहीं बढ़ा पाते हाँ बढ़ बढ़ प्रारंभ में आपका बैलेंस ऑफ आप पेमेंट में एक्स का मान नहीं बढ़ता है एक्स का मान नहीं बढ़ता और एम का मान बढ़ जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ने लगता है और हम लोग टीवन से टी टू स्थित पर आ जाते हैं देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना बिगड़ कर करके आपका हो गया है टी टू ए क्योंकि अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप आपने अपनी मुद्रा का कर दिया है, जब मुद्रा का अवमूल्यन आपने कर दिया है यानी एक डॉलर बराबर अभी आपका था सत्तर रुपए और आपने डिवेल्युएशन करके एक डॉलर बराबर आपने पचहत्तर रुपए कर दिया है इसका तात्पर्य हुआ कि पहले आप एक डॉलर की वस्तु को अमेरिका मतलब पहले एक डॉलर में हम सत्तर रुपए की वस्तुएं देते थे विश्व बाजार को अब हम एक डॉलर में पचहत्तर रुपए की वस्तुएं देंगे विश्व बाजार को तो सब लोग आपकी वस्तुओं को लेंगे लेकिन अगर आपके निर्यात उद्योग रेडी नहीं है तो परिणाम स्वरूप तो में एक डॉलर में पेमेंट कर देते थे अब हमको पचहत्तर रुपए दे करके एक डॉलर लेते और उसका पेमेंट करते तो आपको उतने ही आयात के लिए ज्यादा अधिक भुगतान करना पड़ेगा और निर्यात आपको उतने ही पैसे में ज्यादा करना पड़ेगा तो प्रारंभ में जब तक आपके निर्यात उद्योग स्थापित नहीं हो जाते हैं तब तक आपको बैलेंस ऑफ आप पेमेंट में घाटा दिखाई पड़ता है लेकिन कहां तक T2, T3 टाइम तक T3 टाइम में आप देख सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा बहुत ज्यादा हो गया ठीक है अब भी आपके डिवेल्युएशन की जो पॉलिसी है वो निगेटिवली काम कर रही है उल्टा काम कर रही है लेकिन जैसे ही आपके निर्यात उद्योग रेडी हो जाएंगे कौन से उद्योग निर्यात उद्योग जो निर्यात देने के लिए तैयार है निर्यात उद्योग जैसे ही आपके रेडी हो जाएंगे तथा आयात प्रतिस्थापन उद्योग रेडी हो जाएंगे प्रतिस्थापन उद्योग रेडी हो जाएंगे वैसे ही अब आपकी निर्यात तेजी से बढ़ेंगे X का मान बढ़ेगा और m का मान घटने लगेगा धीरे धीरे आपको ये प्रोसेस दिखाई पड़ेगी तो वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में टी फोर समय में आप देखिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो घाटा है वो अब कम दिखाई पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा तो है लेकिन पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा और कुछ समय पश्चात आप टी पर पहुंच जाएंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पर एक्स माइनस एम हो जाता है यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर हो जाते हैं इस लाइन के नीचे एम इज ग्रेटर देन एक्स है यहां पर पॉइंट पर सबसे ज्यादा एम का मान सबसे हाईएस्ट है एंड एम इज ग्रेटर देन एक्स है ठीक है लेकिन आप जैसे ही टी फाइव समय पर पहुंचते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मान बराबर हो जाता है और बैलेंस ऑफ आप पेमेंट आपका संतुलन में आ जाता है अब आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत तेजी से काम करने लगती है और जब बहुत तेजी से काम करने लगती है और इंपोर्ट सब्टिट्यूशन उद्योग जो आपके यहां आयात करते थे अब आपने देश में बना रहे हो मेक इन इंडिया के अंतर्गत बना रहे हो तो जब आप अपने देश में उन वस्तुओं को बनाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय बाजार से क्यों खरीदोगे तो आपको विदेशी मुद्रा बचेगी परिणाम स्वरूप आप टी सिक्स समय पर अपने आप को पाओगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको क्या था घाटा था वो कन्वर्ट हो गया किस पे सरप्लस में कन्वर्ट हो गया और यहां पर एक्स इज ग्रेटर देन एम हो जाता है ठीक है यानी टी पाई पर x equal to m हो जाता है और इसके यानी इस t5 के दाहिने साइड अगर रेखा पे हम चलते हैं तो x इज ग्रेटर देन m रहेगा और t5 के अगर हम लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो यहां पर m इज ग्रेटर देन x रहेगा ठीक है और t7 में अगर आप देखो कि जब t7 टाइम की बात करते हैं तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत ज्यादा अतिरिक्त में हो जाता है तो जब इन पॉइंट्स का इन ट्रेंड्स को हम लोगों ने एक ग्राफ में प्रस्तुत किया तो हमें क्या मिल गया हमें मिला जे टाइप का एक वक्र मिला इसीलिए इस प्रभाव को हम लोगों ने जे प्रभाव के नाम से जाना जे प्रभाव यह बताता है कि जब तक आपके डिवेल्युएशन के बाद निर्यात उद्योग निर्यात के लिए रेडी नहीं होंगे और आयात उद्योग आयात को रोकने के लिए रेडी नहीं होंगे तब तक आपको घाटा दिखाई पड़ेगा और यह घाटा तब मैक्सिमम हो जाएगा एक समय पे मैक्सिमम हो जाएगा जैसे ही आपके निर्यात उद्योग निर्यात करना तेजी से चालू कर देंगे और आयात उद्योग आयात को रोकने लगेंगे उसके परिणामस्वरूप स्वरूप ये घाटा कम होते जाएगा और T5 समय में आपका एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट हो जाएगा और फिर आपके पास वही डिवेल्युएशन की पॉलिसी आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा है उसको सरप्लस में कन्वर्ट कर देगा तो ये थ्योरी आज हमने देखा जे प्रभाव के नाम से जानी जाती है यानी ये दीर्घ काल में अल्प विकसित देशों के संदर्भ में अवमूल्यन का क्या प्रभाव बैलेंस ऑफ पेमेंट पे पड़ता है उसको जिस हम वक्र से दिखाते हैं उसे हम लोग जे प्रभाव के नाम से जानते हैं यह अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाता है जबकि विकसित देशों को अल्पकाल में इससे लाभ मिल जाता है तो सो मच थैंक यू फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ हमारे चैनल पर पुनः बने रहिएगा सो मच थैंक यू